हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ वोकैबुलरी। और आज हम लर्न करने वाले हैं कुछ और वर्ड्स डब्ल्यू से, एंड देन वी गोना एंड द चैप्टर ऑफ डब्ल्यू एंड मूव टू एक्स वाई एंड जेड। जेड तक तो शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट स्टिल कोशिश करेंगे वाई तक तो पहुंच ही जाए। ठीक है, आज का आपका एक छोटा सा और टास्क रहेगा जो मैंने पहले भी बोला था, बट देयर माइट बी स्टूडेंट्स जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर यही रहेगा। प्लीज़ कोशिश करना कि आफ्टर यू आर डन विद द वीडियो और द स्लाइड एंड द टेस्ट, उसके बाद आपके पोर्टल पे ना प्रैक्टिस सेट के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, आप पोर्टल पे जाओगे, ऊपर सर्च बार पे प्रैक्टिस सेट लिखोगे तो आपको एक सेक्शन ओपन होगा। उस सेक्शन में ना आपको वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे सेट वन, सेट टू, सेट थ्री के नाम से। वो सेट वन, सेट टू, सेट थ्री और कुछ नहीं है, दे आर एलओडी वन, टू एंड थ्री, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वन, टू एंड थ्री, वोकैब के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, वहां पे आपको रियल टाइम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं, वोकैब के किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अपियर होते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप एक बार वो अटेम्प्ट करो। देर आर 45 क्वेश्चंस इन टोटल, मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करते हैं आज के वीडियो पे। हाँ, अपना स्कोर जरूर काउंट करके रखना एंड एनालाइज करना कहाँ पे गलत जा रहे हो। ठीक है, लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो एंड द फर्स्ट, यहाँ तक हमने किया हुआ था, फर्स्ट वर्ड फॉर द डे टुडे इज रैंगल। रैंगल मीनिंग क्वारल नॉइजली, एंग्रीली या फिर डिसरप्टिवली। ठीक है, इस तरह से लड़ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में लड़ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ें करके लड़ना, मतलब चिल्लम चिल्लाई करके लड़ना, या फिर डिसरप्टिव वॉइस में लड़ना, मतलब कि आवाज़ ना आ रही हो या आवाज़ इधर उधर यू नो जा रही हो, इस तरह से। द वुमेन आर क्वारलसम एंड रैंगल ओवर पेमेंट व्हेन सेलिंग देयर वेयर्स। ठीक है, मतलब चिल्लम चिल्ली करना, एक तरह से आप ये समझ लो, बहुत ज्यादा जब फालतू की चिल्लम चिल्ली हो जाती है उसी को रैंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज रीक। रीक इसका मीनिंग है कॉज टू हैपन और टू अकर एज अ कॉन्सिक्वेंस, किसी इंसिडेंट का होना या फिर किसी कॉन्सिक्वेंस का टेक प्लेस करना, उसी को रीक कहा जाता है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ वो है, उसको करेक्शन कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, या इसमें ना व्हाट वी गोना डू इज ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये इसी के साथ हो गया है, तो वी आर गोना रिमूव दिस पार्ट एंड वी हैव दिस एज द सेंटेंस। नाउ इट्स परफेक्ट। Giant solar storms can wreak havoc on satellites and power grids. Okay, so मतलब कि किसी चीज का consequence, एक तरह से आप इसको consequence का synonym मान सकते हैं। ठीक है, ये consequence के synonym की तरह काम करेगा कि giant solar storms जो होते हैं वो बहुत, उसका consequence ये रहेगा या फिर impact ये रहेगा कि havoc cause कर सकते हैं satellites पे। Next word we have is wretched. Wretched. रेस्ट का मीनिंग होता है डिजर्विंग और इनसाइटिंग पिटी, पिटी कॉज करना। ठीक है, या डिजर्व, यू डिजर्व टू बी लाइक दिस, यू नो यू डिजर्व टू क्राई, यू डिजर्व टू बी अपसेट, यू तुम यही इसी काबिल हो, बोलते हैं ना हम, उसी को रेस्ट कहा जाता है। शी सेज नो डू हैव पिटी, आई एम रेस्ट, इट इज ओनली अ लिटिल फेवर आई आस्क ऑफ। ठीक है, मतलब कि आप पिटी डिजर्व करते हो, ऐसे ही रहो, ऐसा वाला सी। Then you have this ring. Ring is how you pronounce it. Iska meaning hota hai twist, squeeze or compress in order to extract liquid. Kisi cheez ko squeeze karna, aise squeeze karna jaise aap sponge ko karte ho, squeeze karna ya twist karna jaise aap you know towels wagera ko karte ho, kapde dhul ke jab usko wo karte ho, nichodna basically. उसको ट्विस्ट करना या उससे किसी भी तरह से कंप्रेस करना कि उससे लिक्विड निकल जाए, तो निचोड़ना जो होता है, ठीक है, उस निचोड़ने को ही इंग्लिश में रिंग कहा जाता है, एग्जैक्ट वर्ड फॉर रिंग, निचोड़ना, उसको रिंग कहा जाता है। व्हेन इट हैड बीन फिनिश्ड एवरीवन वाज इन स्पाइट ऑफ स्लिकर्स एंड गैस सूट्स सो ड्रेंच्ड दैट वाटर कुड बी रंग आउट ऑफ एवरी गारमेंट। रंग जो है दैट इज द
थर्ड पर्सन फॉर रिंग, रिंग रैंग रंग, ठीक है, तो ये वर्ड रिंग ही है, रिंग का ही थर्ड वो है, V3 है बेसिकली, ठीक है, इट इज अ वर्ब, ठीक है, यू रिंग आउट दैट क्लोथ्स, दोस क्लोथ्स, इस तरह से आप बोलते हो, मतलब कि उनको निचोड़ दो, रिंग रैंग रंग, रंग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड. नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज रिथ, रिथ इसका मतलब होता है मूव इन अ ट्विस्टिंग और कंटोर्टेड मोशन, बहुत ही अजीब ढंग से घूम फिर के कैसे कैसे करके चलना, दैट इज रिथ करना, जैसे कि अर्थवर्म्स करते हैं या कोई इंसेक्ट कर सकता है. हिज रिथिंग स्क्वॉमिंग ट्विस्ट वुड हैव मेड अ सर्कस कंटोर्शनिस्ट गैस्प, ठीक है, मतलब कि जो तोड़ मोड़ के सब घूम जाते हैं ना, आपने देखा होगा सर्कस में जिमनास्ट, किसी भी तरह के जिमनास्ट को कैसे वो अपने बॉडी के साथ करते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी के चलते, उसी को रिथ करना कहते हैं. Then you have is rot, rot meaning shape to fit by altering the contours of a pliable mass. कि एक ऐसा शेप अचीव करना जो कि आप, और वो भी कैसे करना, लूजिंग मास, मास को लूज करके आप अपने आप को एक ऐसा, अपने आप को नहीं किसी भी चीज को एक ऐसा शेप दे देते हो कि वो किसी जगह पे फिट हो जाए, जैसे आप कपड़ों के साथ करते हो सूटकेस भरते वक्त, ठीक है. Forging and welding, the process of pressing or hammering wrought iron when at a red or white heat into any desired shape is called forging. Then you have this wry, wry meaning humorously sarcastic or mocking, kisi ka mazak udana, kisi ke maze lena, usko wry kehte hain. Matthew and Jonathan were trying to outwit each other while Andrew, the oldest, looked on with a wry smile meant to trump all sarcasm. Then you have is, हमारे W वाले सारे words खत्म हो गए हैं. We have moved to the next letter which is X. ठीक है? X पे move करते हैं and the word you have here is xenophobia. Now, ये एक तरह का फोबिया भी है जो आपको लर्न करने को मिलेगा, हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोगों को ऑलरेडी ये फोबिया. Xenophobia meaning a fear of foreigners or strangers, ठीक है, बाहर के लोगों से डरना या strangers से, अजनबियों से डरना या foreign country के लोगों से डरना, ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डरना, आपको ये पता ही होगा ऑलरेडी, आपने रूट वर्ड्स में कवर कर लिया होगा. फोबिया इज डर, फीलिया इज लव और अट्रैक्शन. ज़ीनोफोबिया का मीनिंग होता है अजनबियों से या बाहर देश के लोगों से, बाहर के कहीं किसी लोग से डरना, खौफ खाना, ठीक है, उसी को ज़ीनोफोबिया कहते हैं. सम फियर अ रिटर्न ऑफ द ज़ीनोफोबिया दैट लेड टू वायलेंट अटैक्स ऑन फॉरेनर्स 2 years अगो, ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज येल्प. येल्प का मतलब होता है अ शार्प हाई पिच्ड क्राई, ठीक है, वो एकदम शार्प आवाज में जो गाना होता है ना, गाना क्या कह रही हूँ, रोना होता है, उसको येल्प करना कहते हैं. ये वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा. व्हाइल फेंटली हर्ड फ्रॉम समवेयर आउटसाइड देयर वाज द येल्पिंग बार्किंग हाउलिंग व्हाइन ऑफ अ डॉग. वाइन किसको कहते हैं, ये भी आप इसमें से याद कर सकते हो कि क्या हमने पढ़ा था, वाइन क्या होता है, पीने वाला वाइन नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है. सो येल्प करना मतलब बहुत ही श्रिल आवाज में रोना. एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज योमैन. योमैन का मतलब होता है अ फ्री मैन हु कल्टिवेट्स हिज ओन लैंड, फ्री आदमी, इंडिपेंडेंट आदमी जो अपना ही लैंड कल्टिवेट करके खाना पीना खाता है, ठीक है. On one extreme was the well-to-do yeoman farmer farming his own land. Fine, तो simple सा meaning है इसका. Yeoman is one who cultivates his own land. Fine. Okay. These are the 10 words जो आज हमने कर लिए हैं. And that should be it for the day. I do believe कि इसके बाद आप test लेंगे. Video को अच्छे से एक बार और देख लो चाहे तो. टेस्ट लो, टेस्ट में और भी सेंटेंसेस होंगे, उनको देखो किस तरह से यूज करा गया है. 2 sentences अपने तरफ से पुट करो एंड That's it. Keep learning. We're going to meet in the next class. Y or Z को खत्म करते हैं. ठीक है?